अगर आप अवंतु सर्वर पे काम कर रहे हैं और अवंतु पे आप नए हैं तो यहाँ पे एक चीट सीट है जिसका आप रेफरेंस ले सकते हैं कि बेसिक बेसिक रेफरेंस क्या है इस चीट सीट में। तो यहाँ पे नेटवर्किंग है, पैकेजेस है, फाइल हैंडलिंग है, सिक्योरिटी है, से फाइल्स हैंडल करना है, कुबरनेट्स एंड कंटेनर्स का चीट सीट है, फिर सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीट सीट है, अगेन वर्चुअलाइजेशन से है और ओपन स्टैक से है। अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप बेसिक से तो यह देख सकते हैं। नेटवर्किंग में क्या है, नेटवर्क सीटीएल स्टेटस जो दिखाएगा, गेट दी आईपी एड्रेस ऑफ ऑल द इंटरफेसेस और ऑल। तो हम आपको यहाँ पे वन बाय वन डेमो करके दिखाते जाते हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं अभी बॉक्स के अंदर हूँ, वनप्लस सर्वर के अंदर हूँ। तो यहाँ फर्स्ट कमांड अगर नेटवर्क सीटीआरएल स्टेटस है तो इसको मैं देखूंगा क्या कहता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने चलाया सुडो नेटवर्क सीटीएल स्टेटस, राउटेबल दे रहा है एड्रेस इतना एंड गेटवे ये है और डीएनएस मेरा ये रिजॉल्व कर रहा है और एक्चुअली सर्च डोमेन है एपी साउथ साउथ ईस्ट वन कंप्यूट इंटरनल। तो ये मेरा नेटवर्क स्टेटस हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले ऑल आईपीज ऑफ द होस्ट, होस्ट माइनस आई। तो इस कमांड को देख लेते हैं। ये वीएम जो है अगर मल्टीपल आईपी से कनेक्टेड है, मल्टीपल पोर्ट्स इसमें है, जैसे कि वैन से भी कनेक्टेड है, लैन से भी कनेक्टेड है और या डबल लैन है इसमें। तो अगर डबल लैन से कनेक्टेड है तो जितने आईपी लोकेशन होंगे सभी को यहाँ पे लिस्ट आउट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से है इनेबल डिजेबल इंटरफेस। अगर कोई हमको इंटरफेस डिजेबल करना है, जैसे कि वैन डब्ल्यू लैन को डिजेबल करना है, जो वाईफाई होता है उसको डिजेबल करना है, तो यहाँ से लिंक सेट इंटरफेस अप और डाउन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा एक इंटरफेस डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फेयरवेल रूल में, इनेबल फेयरवेल उसके लिए करते हैं सुडो EVFW इनेबल। एक बेसिक चीज होता है, जब भी आप वीएम क्लाउड वीएम सेट करते हैं या वीपीएस सेट करते हैं तो उसमें ये सब बेसिक फीचर इनेबल्ड होना चाहिए। फॉर सिक्योरिटी कंसर्न आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप न्यू सर्वर इंस्टेंस सेट करने जा रहे हैं तो ये सब आपको लिस्ट रूल्स स्टेटस देखना है, अगर फायरवेल का स्टेटस तो ये कमांड दिखाएगा। उसके आगे अगर आते हैं सिक्योरिटी में तो सो विच यूजर इज लॉग्ड इन। तो अगर हम केवल डब्ल्यू प्रेस करें तो ये नेम देगा कौन कौन सा यूजर लॉग इन है। अगर कोई और यूजर यहाँ पे लॉग इन होता है तो उसका प्रिंट देगा कि कौन सा यूजर लॉग इन है यहाँ पे। नेक्स्ट इस तरह से बढ़ते हैं, गेट पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट। अगर कोई पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी सेट है किसी भी यूजर का, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये जॉब होता है कि वो सेट करे इस सब चीज को, पासवर्ड एक्सपायरेशन फॉर इच यूजर की कितना दिन में उसका पासवर्ड रिव्यू होना चाहिए, कितना दिन के अंदर उसका पासवर्ड चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए सब बेसिक कमांड्स हैं। सेट पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट फॉर यूजर, सेट लॉक यूजर अकाउंट। अगर अकाउंट को लॉक करना है तो हाइफन एल चला देंगे, अनलॉक यूजर तो उसको माइनस यू उसका चलाएंगे ऑप्शन। लिस्ट ऑल ओपन पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड अगर कितने पोर्ट्स ओपन हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पोर्ट्स ओपन हैं। फॉरेन एड्रेस फॉर ऑल, मतलब कि फॉर ऑल ओपन है, पब्लिकली ओपन है फॉर ऑल। तो यहाँ लिसन हो रहा है, एक NGINX लिसन कर रहा है, एक सिस्टम डी लिसन कर रहा है, SSH है एंड पोस्टग्रेस है। NGINX का एक एटी पोर्ट पे रन हो रहा है IPv4 के लिए और एक IPv6 के लिए रन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया कितने लिसनिंग पोर्ट्स हैं, जो अगर हम कोई VPS सेट किए और उसका मालूम नहीं है कितना पोर्ट ओपन है मेरा, कितने पोर्ट पे लिसन कर रहा है, तो इस कमांड से आप देख सकते हैं। उसके आगे आते हैं पैकेज। पैकेज सर्च करना है, जैसे हम कोई पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है उस पैकेज के बारे में, कोई नाम मालूम है एग्जैक्ट उसका वर्सन, कोई कोई होता है पैकेज जो वर्सन है सब पे भी इंस्टॉल होता है, तो एप्ट सर्च से कर सकते हैं। लिस्ट ऑल अवेलेबल अपडेट्स, जो एप लिस्ट अपग्रेडेबल्स है इसको यूज कर सकते हैं, जो अवेलेबल अपडेट्स है आपको जो दे देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर रन करते हैं तो ये दे रहा है दो अवेलेबल अपडेट्स हैं।
काम आ सकते हैं। ये अब अप्लाई ऑल अवेलेबल अपडेट्स ऑन अबंटू, इंस्टॉल फ्रॉम अबंटू आर्काइव, इस तरह से दे सकते हैं पैकेज नेम, इंस्टॉल फ्रॉम द स्नैप स्टोर, दो स्टोर से ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं अबंटू का पैकेज, इधर अबंटू के आर्काइव से और इधर स्नैप स्टोर से। इनेबल कर्नल लाइव पैचेज है जो इनेबल कर सकते हैं। फिर अबंटू सीएलआई प्रो टिप्स क्या है, जैसे कि फाइल हैंडलिंग ऊपर में और मिस हो रहा है, जहाँ पे एलएस कमांड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं, एलएस टू लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ls -al ऑल लिस्ट एंड डायरेक्टरी, ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी के लिए -p देते हैं क्रिएट करने के लिए। अगर नेस्टेड डायरेक्टरी पे हम जा रहे हैं ऐसे नॉर्मली mkdir और फोल्डर नेम देते हैं कि क्या हमको डायरेक्टरी बनाना है। डिलीट डायरेक्टरी रिकर्सिवली, rm जब चलाते हैं और एक डायरेक्टरी को डिलीट करने जाते हैं तो उस समय डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टरी rm जो है डायरेक्टरी को रिमूव कर नहीं कर सकता है, वो केवल फाइल्स को रिमूव कर सकता है। तो -r जब लिखते हैं वहां पे तो रिकर्सिवली फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर है उसको डिलीट करता है, उसके लास्ट में फिर डायरेक्टरी को डिलीट करता है। लोकेट कमांड होता है, कुछ फाइल को हम सर्च कर रहे हैं उसके लिए एक है, फिर फाइंड, फाइंड भी एक होता है, फाइंड करने के लिए भी फाइल वहां से फाइंड किया जाता है। फिर है ग्रेप, कोई फाइल में हमको कुछ सर्च करना है स्ट्रिंग तो ग्रेप यूज करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है रिकर्सिवली और इनकेस सेंसिटिव फॉर्मेट में जब हम सर्च करने जा रहे हैं तो IRS यूज करते हैं। कॉमन फाइल ऑपरेशंस में है क्रिएट एम्प्टी फाइल, अगर हमको क्रिएट करना है तो टच फाइल नेम दिए, क्रिएट विथ कंटेंट तो इको सम कंटेंट और टू दी ए राइट होता है, एक ऑपरेटर है, फाइल के आउट जो इको यहाँ पे होगा उसको फाइल पे राइट कर देगा। अपेंड विथ कंटेंट तो डबल, तो यहाँ ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं, जो एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट है उसको होते हुए वो नेक्स्ट लाइन से अपेंड कर देगा। डिस्प्ले के लिए कैट यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए फाइल cp, फाइल नेम सोर्स एंड टारगेट फाइल नेम कहाँ पे उसको कॉपी करना है, mv और rm फाइल को मूव करने के लिए भी mv यूज होता है और रीनेम करने के लिए भी mv यूज करते हैं, और डिलीट के लिए rm सिंपली फाइल नेम जब देते हैं तो डिलीट कर देगा, mkdir नॉर्मल है। ये वर्क करेगा सभी Ubuntu के सभी वर्सन पे, आइदर 20 हो, 19 हो, 18 हो, 16 हो, 14 हो और बिलो, उसके जो बिलो हो उस पर भी काम करेगा। इवन एक mkdir और जो फाइनल हैंडलिंग का है सब जो कमांड है ये लिनक्स के कोई भी डिसोर्ट पे काम करेगा। आगे बढ़ते हैं तो फाइल्स से रिलेटेड और भी कुछ कुछ एडवांस फीचर्स हैं, लाइक फाइंड फाइल मॉडिफाइड इन लास्ट n मिनट्स, अगर n मिनट्स में कोई फाइल मॉडिफाई हुआ है तो यहाँ पे एक इस तरह से एक्सप्रेशन दे सकते हैं, mmin-n नंबर ऑफ मिनट्स एंड टाइप ऑफ फाइल फॉर f, सो दिस विल फाइंड लाइक लास्ट 5 मिनट में अगर कोई फाइल मॉडिफाई हुआ है, यहाँ पे फाइंड डॉट मीन्स इन करेंट डायरेक्टरी mmin-5 जो कि ये नंबर है नंबर मिनट्स एंड टाइप इज इक्वल टू फाइल, अगर 5 मिनट के अंदर में कोई फाइल यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है एक फोल्डर के अंदर तो वहाँ पे वो आपको लिस्ट दे देगा कौन सा फाइल मॉडिफाई हुआ है। फिर है सो ओनली द nth कॉलम, तो उसके लिए कॉल food.csv एक फाइल नेम दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल फाइल नेम तो nth कॉलम दिखा देगा। डिस्प्ले फाइल पेजिनेटेड तो लेस जब हम करते हैं तो वो लास्ट से या पेज बाय पेज प्रिंट करते जाता है। हेड माइनस एन, अगर किसी भी फाइल का हेड मतलब टॉप में क्या है, मिडिल में क्या है, डाउन में क्या है, तो अगर हम फर्स्ट देखना चाहते हैं, टॉप देखना चाहते हैं, टॉप 50 लाइंस, तो टॉप 50 लाइंस के लिए हम head-n, n stands for line n and file name दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा head-n 50 एंड फाइल नेम। डिस्प्ले लास्ट एन लाइंस, तो यहाँ पे हो जाएगा tail-n 50 फाइल नेम, तो इस तरह से एक फाइल के कंटेंट को देख सकते हैं। अगर फाइल कंटेंट अगर है 1000 लाइंस का और हमको चाहिए लास्ट 4 लाइंस तो हम 4 लाइंस यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं। फॉलो फाइल कंटेंट एज इट इंक्रीजेज, एक टाइप का स्ट्रीम होता है, जब फाइल नेम कोई कहीं पे ओपन है और वहाँ पे कंटिन्यूसली उसमें अपेंड हो रहा है, डेटा अपेंड हो रहा है, तो हमको उसका जो अपेंड हो रहा है फाइल इंक्रीज जब हो रहा है तो उसके कंटेंट को देखना है, तो उस
में -f यूज कर सकते हैं। ए डायरेक्टरी इनटू एन आर्काइव, आर्काइव में कैसे जिप कर सकते हैं, यानी कि ए होगा टारगेट जो फाइल नेम जनरेट कराने जा रहे हैं, समथिंग abc.zip, एंड एबीसी फोल्डर है तो उसको एबीसी फोल्डर dir, इस तरह से जिप अनजिप होता है। जब हम लोग मूवमेंट करते हैं, एक एक जगह से फाइल को दूसरे जगह कॉपी करना है, तो उसके लिए कि हम उसको जिप कर लें, डायरेक्टली डायरेक्टरी ना मूव करके हम उसको जिप कर लें, और उसके बाद हम आरसीपी या एससीपी जो कमांड है उसका यूज करके हम फाइल को आइदर रिमोट सर्वर पे या दूसरे सर्वर पे अगर हम सिंक कराना चाहते हैं तो आर सिंक का यूज कर सकते हैं, अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो एससीपी सिक्योर कॉपी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे, अनपैकिंग कैसे अनपैक करना है, कॉपी फाइल इन रिमोट सर्वर कैसे करना है, एससीपी हम यूज कर सकते हैं, एससीपी अगर फाइल एससीपी लोकल फाइल नेम, यहाँ पे लोकल फाइल नेम क्या है, उसके बाद रिमोट सर्वर एड्रेस एंड किस डिस्टिनेशन पे, जैसे कॉलन होम की है, होम अबंटू की है, तो वहाँ पे इस फाइल को कॉपी करना है। तो एग्जाम्पल हो गया एससीपी फ्रॉम लोकल कॉपी कॉन्फिग डॉट yaml टू एडमिन एट द रेट इतना एट कॉन्फिग कॉन्फिग फोल्डर, ये कॉन्फिग yaml फाइल को इस रिमोट सर्वर पे कॉपी कर देगा, कॉपी डायरेक्टरी रिकर्सिवली फ्रॉम रिमोट सर्वर, अगर रिमोट सर्वर से लोकल अपने लोकल सर्वर पे लोकल मशीन पे लाना है डायरेक्टरी को, तो वैसे भी ला सकते हैं, डायरेक्टरी भी ला सकते हैं, या डायरेक्टली कॉन्फिग जो है करके कॉन्फिग को जिप करके और विदाउट आर कॉपी कर सकते हैं। अगर जिप कर दिया तो हो गया सिंगल फाइल, सिंगल फाइल को कॉपी करने के लिए आर का जरूरत नहीं पड़ेगा, रिकर्सिवली जरूरत तब पड़ता है जब नेस्टेड फोल्डर और फोल्डर्स होते हैं और उसके अंदर में सब फाइल्स होते हैं, तो उस केस में आपको रिकर्सिवली का जरूरत पड़ता है। फिर आते हैं सिस्टम डिस्प्ले कर्नल वर्सन है, गेट डिस्क है, df -h, मेमोरी यूसेज देखना है, गेट सिस्टम टाइम देखना है, तो उसके लिए है गेट सिस्टम टाइम्स, टाइम के लिए तो और भी है कमांड, जैसे डेट मारेंगे तो डेट से भी पता चलेगा कि कितना टाइम हो रहा है। सेट सिस्टम टाइम जोन है, टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई कोई एप्लीकेशन में होता है कि कहते हैं कि सर्वर यूटीसी ही दे रहा है, तो उस केस में आप टाइम जोन चेंज भी कर सकते हैं, सर्वर सर्वर का टाइम जोन चेंज करके आप अपने जो एप्लीकेशन जिस एरिया में है, जिस टाइम जोन में आप हैं, वहां पे भी अगर चाहते हैं कि हम उस टाइम जोन विथ दिस कमांड से टाइम जोन एंड यहाँ पे जोन, जैसे कि एशिया स्लैश कोलकाता अगर देते हैं तो यहाँ पे कोलकाता का टाइम जोन इंडिया का सेट हो जाएगा। गेट ऑल रनिंग सर्विसेज, तो जो भी सर्विसेज रन हो रहे हैं उसको लिस्ट आउट करने के लिए है। स्टॉप ए सर्विस, तो ये नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ द पर्सन यूज करते हैं, सुडो सर्विस, सर्विस नेम एंड स्टार्ट स्टॉप एंड फोर्स स्टार्ट रीलोड एंड स्टेटस, दीज आर द बेसिक कमांड्स। मॉनिटर न्यू लॉग्स फॉर ए सर्विस, फॉर ए सर्विस तो जनरल सिटी है उसका, फिर सर्विस नेम यहाँ पे पास करना है, सिंस नाउ से जो सर्विस रन हो रहा है और जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन लॉग राइट कर रहा है, तो उस सर्विस के एप्लीकेशन लॉग से भी आप देख सकते हैं, ऐसे मोस्टली जो सर्विसेज होते हैं वो जनरल में अपना लॉग राइट करते हैं। गेट द लिस्ट ऑफ रिसेंट लॉगिन्स, अगर यहाँ पे इसमें देखे लास्ट तो यहाँ पे दिखेगा कि कितने जगह से लॉगिन किया गया है, ये भी जो 10.8 वाला सीरीज है, एक टोटल वीपीएन कनेक्शन पे है, और ये जो भी आईपी है अदर फॉरेन आईपी जो दिख रहा है 106 सीरीज, 180 सीरीज, ये पब्लिक आईपी से एक्सेस किया गया है, जिस समय ये इंस्टेंस होगा वो पब्लिकली एक्सपोज किया गया होगा उस समय का ये एक्सेस है। तो आप देख सकते हैं लास्ट लॉगिन कितने टाइम इस पे लॉगिन किया गया है, कितने बार लॉगिन हुआ है, ये सब दिखा सकता है। फिर है ए स्टॉप, ए स्टॉप अभी जो प्रीवियस वर्सन्स थे, प्रीवियस वर्सन्स में ए स्टॉप नहीं था, वहां पे केवल टॉप आता था, टॉप टॉप कमांड एक आता था जो आपका लिस्ट ऑफ प्रोसेस क्या रन हो रहा है और क्या रिसोर्स ले रहा है उसके उसके बारे में एक आता था, लेकिन अभी एक न्यू फीचर आया है, न्यू एज टॉप अगर बोल रहा है कि अभी 20 वर्सन ला रहा है, तो देख लेते हैं, और एलिगेंट यूआई के साथ दिखाता है, जहां पे आपको यहाँ मिल जाएगा वन वन एंड टू, दी ये दो कोर प्रोसेसर है और मेमोरी इस पे है 1.90 GB, यानी 2 GB मेमोरी है,
क्योंकि EC2 जब भी आप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्वैप देता नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्वैप आपको मिलेगा नहीं। किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्वैप कैसे क्रिएट करते हैं अगर आप VM सेटअप किए हैं और उसमें स्वैप नहीं है, क्योंकि स्वैप मेमोरी कभी कभी बहुत हेल्पफुल होता है। जब आपका मेमोरी मेमोरी समाप्त होने पे होता है तो उस समय स्वैप का एक अच्छा खासा यूज हो जाता है। तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि स्वैप कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये एलिगेंट UI देता है, ए स्टॉप, जिससे कि आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस रन हो रहा है, कौन सा प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रहा है, किल प्रोसेस बाय ID। अगर कोई प्रोसेस को हमको किल करना है तो यहाँ पे देते हैं किल -9 एंड प्रोसेस ID। प्रोसेस ID पास करते हैं, किल प्रोसेस बाय नेम के लिए P किल यूज करते हैं, एंड रन कमांड इन बैकग्राउंड, तो कमांड एंड एंड केवल दे देते हैं तो एक जॉब क्रिएट कर लेता है, बैकग्राउंड जॉब क्रिएट कर लेता है और वहां से रन होने लगता है। और उसको व्यू करते हैं जॉब्स से, जॉब्स जॉब्स अगर देखें तो यहाँ कुछ जॉब नहीं रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही LS एंड यहाँ पे रन कर देंगे तो एक देखिए एक प्रोसेस अटैच कर लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखेंगे जॉब्स तो ये डन दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी डन है, कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखेंगे एडवांस सेटिंग्स, एडवांस में है कुबरनेटीज एंड कंटेनर्स को कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, माइक्रो केस कैसे इंस्टॉल करते हैं, माइक्रो के8s एंड लिस्ट अवेलेबल एडवांस कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, मतलब कुबरनेटीज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये डिफरेंट ये सब एडवांस फीचर्स हैं जो आप बेसिक अगर आप इन हो रहे हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के साइड में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ओपन स्टैक है, विजुलाइजेशन है, लिंक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं और एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। क्योंकि ये जो भी कमांड्स दिए हैं ये बहुत हेल्पफुल है, और इन इन डेली लाइफ की जब आप सर्वर सेटअप करते हैं या वहां पे उसका मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं, या कोई कमांड लेकर उसका क्या क्या ऑप्शंस होता है वहां पे आप मैन टेल अगर दें तो ये लिस्ट दे देगा कि इस कमांड का डिफरेंट ऑप्शन विथ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलता है मैन कमांड पे, तो उसका सिंटेक्स है मैन एंड कमांड नेम, तो वो आपको दे देगा कि उसका यूसेज कैसे कैसे किया जा सकता है।